सो so, आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एंड uh, आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शनि के और गुरु के ट्रांसिट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कैसे उसके उससे लाइफ प्रभावित होती है भिगुरु नंदी नाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स वेरी क्विकली भिगुरुनंदी नाड़ी ऋषि बिगु और ऋषि नंदी कि जो दोनों की अपनी अपनी आ, समझ है और दोनों की जो अपनी अपनी ऋषियों की जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग था, उनके द्वारा लिखी गए ग्रंथों को मिलाप करके ये नाड़ी का एक तरीके से हम बोलेंगे कि इसका जन्म हुआ क्रिएट किया गया एंड बी आर जी राव जी साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है जिन्होंने इस नाड़ी को हमें दिया Uh, जिन्होंने इसका प्रचार भी किया तो so, हम उसकी डिटेलिंग में थोड़ा सा इंतज समझते हैं एंड लेट्स गेट इनटू टू द नाड़ी इट्स बेगुनंदी नाड़ी में हम जो कवर करेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर भेगनंदी नाड़ी की जो कंसेप्ट है मेन वो तो सारे कंसेप्ट काम करेंगे इसमें कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट होते हैं इन कॉम्बिनेशन को इफेक्ट क्या होता है क्योंकि भीम दिन नाड़ी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पे सबसे सुंदर काम करती है और इसको राशि उसके साथ कनेक्ट करती है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे इसमें ट्रांजिट प्लैनेट जब किसी प्लैनेट या किसी भाव या किसी राशि में से निकलते हैं तो उसका क्या इफेक्ट जीवन पे आता है और इसी तरह से प्रोग्रेशन भी वर्चुअल ट्रांजिट की संगति में आप कह सकते हैं प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन जब निकलता है किसी प्लानट का अब वो वर्चुअली एक तरह से ट्रांजिट है तो उससे लाइफ कैसे प्रभावित होती है इस विषय पे इसमें कार्य करेंगे और प्लानट के कॉम्बिनेशन इसके अंदर मेन सब्जेक्ट रहेगा नाड़ी के अंदर ट्रांजिट की बहुत इंपॉर्टेंस है और आज का चैप्टर हम नाड़ी में ट्रांजिट से ही शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चार ट्रांजिट्स बताए गए नाड़ी में शनि गुरु राहु केतु द रीजन वेरी रीजन शनि गुरु राहु केतु बड़े ट्रांसिट्स हैं शनि का ट्रांजिट ढाई साल का है गुरु का ट्रांसिट एक साल का है राहु केतु के ट्रांजिट डेढ़ डेढ़ साल के हैं ये बड़े ट्रांजिट्स हैं जब ये ट्रांजिट अपनी जगह चेंज करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आते हैं ट्रांसिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रवेश एंड एग्जिट इसमें विस्तार पे बात करेंगे आगे जाके जब जैसे ही ट्रांसिट प्रवेश करता है जीवन में परिवर्तन आ जाता है यह परिवर्तन किस राशि में किस हाउस में और किस प्लैनेट पे जा रहा है उसे इंपैक्ट करता है उसे इन्फ्लुएंस करता है तो जैसी किसी डिग्री की एंट्री होती है उसका प्रवेश होने लगता है प्रवेश होने वाला होता है ये इम्पैक्ट जीवन में आना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो जा रहा होता है तब तो भी वो इम्पैक्ट अपना छोड़ता हुआ चला जाता है तो इसलिए ये ट्रांजिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कार्य इस ट्रांजिट्स को देखे भी ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की प्रडिक्शन या स्टडी करते हैं तो फलीभूत करने में थोड़ा दिक्कत आती है तो इसलिए हम आज थोड़ा समझेंगे शनि के और गुरु के ट्रांसिट के एक झलक देखेंगे आज हम इनकी डिटेलिंग में पूरी डिटेलिंग में आज की एक ही क्लास में नहीं होगा बट आज हम इनकी झलक जरूर देखेंगे शनि जब ट्रांसिट करेंगे लगन पे से और हम इसमें मेनली लगन चार्ट पे कार्य करेंगे शनि जब कार्य करता है ट्रांजिट करता है लगन में से तो लगन में बैठे हुए ट्रांस प्लानिट पे से ट्रांसिट करेगा एक दूसरा उस हाउस पे से ट्रांसिट करेगा दो इन दोनों को शनि इंफ्लुएंस क्रिएट करेगा अगर उस भाव के अंदर मल्टीपल प्लैनेट बैठे हुए हैं एक ही भाव के अंदर तो डिग्री के अनुसार ट्रांजिट का इंफ्लुएंस क्रिएट होगा कि कौन सी डिग्री का प्लैनेट पे सबसे पहले शनिदेव आए फिर कौन दूसरी प्लान कौन सी थी जिसकी डिग्री पर देवा आए उससे ये कनेक्ट करेगा और ये इंफ्लुएंस क्रिएट करेगा इसको भी हम स्टडी करेंगे आगे जाके आज के लिए हम आसान तरीके से समझते हैं शनि का ट्रांसिट अगर लगन पे से निकलता है या लगन लॉर्ड पे से निकलता है इसी तरीके से बारह के बारह हाउसेस पे से निक, निकलेगा या उनके लॉर्ड पे से निकलेगा तो जीवन में क्या चेंजेस को वो सिग्निफाई करता है क्या एट्रीब्यूट्स को वो दर्शाता है इस पर हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं आज शनि का ट्रांसिट एक मेजर चेंजेस और मेजर इंफ्लुएंसेस लाइफ के अंदर क्रिएट करता है क्योंकि ढाई साल रहते हैं शनिदेव किसी भी जगह पे और स्टार्टिंग में ही वो अपना दस्तखत जो है अपनी आवाज जो है दे के आते हैं कि मैं आ गया हूं एक छोटा छोटा सा हम एक जरा ये समझे क्विक वेरी क्विक एक रूल्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें शनि का ट्रांसिट जब भी छठे आठवें या बारहवें हाउस पे से निकलता है या उनके लॉर्ड पे से निकलता है तो ये मेलेफिक सिचुएशंस क्रिएट करता है जीवन में सब्जेक्ट टू एस्पेक्ट ये मेलेफिक सिचुएशंस इतने खतरनाक होते हैं कि ये रोला रुला देते हैं का. इस तरत, तक ये इफेक्ट क्रिएट करता है अब छह आठ बारह में किस तरीके से कौन सा ज्यादा कौन सा कम वाली बात आ जाती है तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो एट इज द मोस्ट वर्स्ट

या फोर्थ हाउस पे से निकलते हैं तो देर इज ए ज्वाइन है आपका स्वागत है आपने अपने अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो इट विल बी गुड थैंक यू सर दो मिनट ये नेटिव के जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है घर को बदलने के लिए मॉडिफिकेशन घर का ऑफिस का प्लेस का करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ये क्विक टिप्स है हम डिटेलिंग में भी अभी थोड़ा पांच पांच सात सात लाइन पे भी जाएंगे ये क्विक टिप्स है शनि का ट्रांसिट जब सेवंथ हाउस में से जाता है तो अनमैरिड के लिए ये मैरिज के एस्पेक्ट्स क्रिएट करता है और मैरिड अगर है स्पाउस तो इसके साथ रिलेशनशिप के लेके थोड़ी डिस्टर्बेंसेज भी क्रिएट करता है यही शनि का ट्रांसिट थर्ड हाउस में से निकलता है या थर्ड के लॉर्ड पे से निकलता है तो सिबलिंग्स के लिए हायर स्टडीज या ट्रेवल का योग क्रिएट कर देता है तो इस तरीके से शनि के ट्रांजिट को हम डिलेट करते हैं और हम हम देखते हैं सीक्वेंस वाइज शनि का ट्रांसिट अगर फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे से अगर पास ऑन होता है शनि का ट्रांसिट जब फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे से निकलेगा तो ये जीवन की एक नई शुरुआत को दर्शाता है नए आइडियाज को एटीट्यूड में चेंजेस को दर्शाता है शनि का ट्रांसिट चेंज ऑफ एटीट्यूड है एक चीज का हमेशा ज्यादा किया गया ये पर्सनैलिटी चेंज को दर्शाता है पर्सनैलिटी चेंज एकदम नहीं होती है लेकिन थिंकिंग पैटर्न जब चेंज होता है जब एटीट्यूड या आइडिया चेंज होते हैं तो पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंजेस आने की संभावना आचरण सिंह जी स्वागत है आपका नए गोल्स नई वैल्यूज नई प्रायोरिटीज सेट करता है फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से जब भी ट्रांसलेट निकलता है तो जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एंड ये एक नया शिफ्ट क्रिएट करता है कि हम अपनी जगह से स्थान को परिवर्तन करके नई जगह पे या नया सिस्टम के साथ हम कुछ नई एक्टिविटीज को करेंगे जो लोग नए ज्वाइन किए हैं रिक्वेस्ट देयर इफ दे कैन कीप देर ऑडियो वीडियोज ऑन आप में कोई व्यक्ति ऐसा जिसने आचल सिंह जी नमस्कार गुड टू सी यू आप में कोई व्यक्ति ऐसा अजय मिश्रा जी गुड टू सी यू नमस्कार आपको नमस्कार सर नमस्कार किसी व्यक्ति को ऐसा जी बिल्कुल नहीं आती हो कोई ऐसा व्यक्ति थैंक यू जय श्री रामजी जी शनि का ट्रांसिट अगर सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड पे से जब निकलते हैं दिस इज द टाइम फॉर इंक्रीज इन वेल्थ एंड अर्निंग ये सोर्स ऑफ अर्निंग और तरीके अर्निंग के दर्शाता है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन चेंज दर्शाता है यह समय है जब हमारी प्रायर विद फैमिलीज़ एंड हमारी प्रोफेशन में चेंजेस आती है सो so, uh, उस समय पे व्यक्ति सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ इंक्लाइंड ज्यादा होता है सेटिंग द प्रायर विद फैमिली एंड फैमिली लाइफ शनि का ट्रांसिट अगर सेकेंड हाउस सेकेंड हाउस लॉर्ड पे से जाएगा तो लोग क्या सोचते हैं? इसकी जगह पे वो वो करता है जो उसको बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस लोग क्या सोचते हैं लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह नहीं करता उस टाइम ये अगर थर्ड हाउस या थर्ड हाउस लॉर्ड पे से जाता है सो so, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है बट ये बहुत फास्ट क्विक ट्रेवलिंग होती है जो एक हेक्टिक शेड्यूल की तरह होती है चार दिन की यात्रा पे हमने वीजा लिया बाहर गए घूमे फिरे फटाफट और जल्दी से आ गए शॉर्ट जर्नी शॉर्ट ट्रैवलिंग शॉर्ट वेकेशंस ट्रैवलिंग अबॉर्ड हैक्टिक ट्रेवलिंग फूड क्विक 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 सिबलिंग्स के लिए अच्छा प्रतीत करता है सिबलिंग विल डू गुड ड्यूरिंग दिस पीरियड उनकी जॉब चेंज बेटरमेंट के लिए नए स्टार्ट के लिए उनको दर्शाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है कंप्यूटर लाइन का युग है तो कंप्यूटर लाइन में जो लोग कार्य करते हैं जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे कार्य करते हैं उनके लिए ये एक चेंज ग्रोथ दिखाता है अपलिफ्ट ग्रोथ दिखाता है ये शनि जब चौथे घर पे से या चौथे घर के मालिक पे से ट्रेवल करता है तो देर इज ए शिफ्ट और चेंज इन प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंसान अपने घर में परिवर्तन करेगा अपने घर में चेंजेस करेगा या उसकी जॉब में रेजिडेंस के अंदर शिफ्टिंग होने की पूरी संभावना क्रिएट करता है ऑफिस के अंदर घर के अंदर बदलाव रिनोवेशन विल टेक प्लेस इंटीरियर डिजाइंस विल चेंजेस अपने घर को अपग्रेड करने की संभावनाएं क्रिएट करता है नया प्लॉट नई जगह नई लैंड दर्शाता है गाड़ी के अंदर चेंजेस दर्शाता है नई गाड़ी नया मॉडल की गाड़ी नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सब चीजों के लिए शनि कारक बनता है एट द सेम टाइम जब चौथे घर या चौथे घर के स्वामी पे से शनि देव निकलते हैं तो डिस्टर्बेंस ऑफ पीस भी क्रिएट करता है इंसान की मन की शांति में विघन क्रिएट करता है इंसान को तसल्ली नहीं होती फाइंडिंग न्यू फाइंडिंग न्यू न्यू एंड न्यू एंड बेटर ये दिमाग में चलता है ये शनिदेव फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस लॉर्ड पे से जब पास आउट करते हैं सो इट्स ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ समबडी गोइंग फॉर ए फैमिली प्लानिंग ऑफ ए चाइल्ड बर्थ और जिन लोगों के पास ऑलरेडी बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जाम में या एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा करने का समय दिखाता है कैरियर में सक्सेस कैरियर कंसर्न कैरियर प्रमोटेड कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरियर एडिशन सक्सेस इन वर्क रिकनाइजेशन टैलेंट स्किल्स के ऊपर कार्य करता है ये एक अच्छा समय होता है राइट तरह के लोगों से मिलने का राइट टाइम पे मिलने का और उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को पॉजिटिव चीजों पे कार्य करने के लिए ये अच्छा समय दिखाता है चेंज क्रिएटिविटी पे काम करता है दिस इज गिविंग दी अपॉर्चुनिटीज फॉर विजिटिंग दी होली प्लेसिस ऑल्सो और ऐसे जगहों पे जहां पे की हमारी यात्रा है, या स्केर्ड प्लेसेज जिसको हम बोल सकते हैं इस तरह की जगहों पे जाने की एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है शनि का ट्रांजिट सिक्स हाउस या सिक्स हाउस लॉर्ड पे से दुश्मनी नई दुश्मनियों को संभावना देता है नई दुश्मनी को आमंत्रण देता है ये ऐसा हमें प्रतीत करवाता है कि हमारे एनिमीज हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा स्ट्रांग है दे विल बी चेंज इन द फ्रेंडशिप नई पार्टनरशिप नई फ्रेंडशिप फॉर्मेशन क्रिएट करता है टेम्प्रेरी सिकनेस क्रिएट करता है चेंजेस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर परिवर्तन करता है और एक डिफिकल्ट मोमेंट के आप एक हर काम के अंदर अटकना डिफिकल्टीज को क्रिएट करना एनजाइटी को क्रिएट करना किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आसानी से काम को नहीं होना ये दर्शाता है बिजनेस के अंदर नए डीसीएस लॉसेस के ऊपर जाते हैं इन्वेस्टमेंट नई जो जाती है ये अच्छा नहीं है नीड टू बी वेरी केयरफुल अगर कोई केस कोर्ट केस चल रहा है ऑलरेडी तो ऐसे के अंदर द कोर्ट केस विल बी अगेंस्ट ऑफ नेटिव फेवर और वहाँ पे अथॉरिटी से सुपीरियर से प्रॉब्लम्स को दर्शाता है ऐसे में इंसान ज़्यादा पैसा बौरव करता है उसके डेप्स बढ़ते हैं लॉसेस बढ़ते हैं फिर और नुकसान होता है दिस इज द पीरियड जहाँ इंसान को काम मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है लगन से करना पड़ता है समझ के करना पड़ता है और पेशेंस मेंटेन करनी पड़ती है ये वो पीरियड है जहाँ इंसान को मशीनों के साथ जूझना सकता है लेबर और एक्टिविटीज करनी पड़ती है अगर नहीं करता तो मैं तो बोलूंगा उसको जिम ज्वाइन कर लो जिम के अंदर मशीनें होती हैं थोड़ी लेबर वर्क हो जाएगी दिस विल इट आउट और जिनका शनि पर्मा बैठा भी है ना दे मस्ट डू मशीन लेबर वर्क और जिम के अंदर मशीन और लेबर दोनों होती है पॉइंट ऑफ सेइंग कि हमारी जो रेमेडीज होती हैं हमारे प्लैनेट की पोजिशन और उनके ऊपर जा, के अंदर प्लैनेट्स उनके एटीट्यूड को अगर उनकी अप्रोच को हम पहचान लें तो वो रेमेडीज का काम कर जाती हैं शनिदेव अगर सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड पे से निकलते हैं ये अच्छा समय है जो लोग मैरिटियल अपॉर्चुनिटीज या प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं इनके लिए अच्छा समय होता है स्टेटस इंक्रीज करने का कैरियर में अच्छा करने का अच्छा समय है लेकिन कुछ रीजन के वजह से के साथ भी बनती यानी कि स्पाउस एक जगह पे रहता है व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पे जा सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू गोल्स बट दिस इज अ टाइम टू हैव ग्रोथ इन प्रोफेशनल लाइफ सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड पर से निकलता तो बदर इन लॉ यानी कि वाइफ का भाई या हजबेंड का भाई मोर ऑफ वाइफ पाउस यहाँ पे वाइफ के भाई से लिखते हैं बदर इन लॉ गेटिंग द बेटर अपॉर्चुनिटीज न्यू अपॉर्चुनिटीज सोशल कॉन्टैक्ट्स हमारे बढ़ते हैं हमारी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर्मिंग ऑफ न्यू पार्टनरशिप इंक्रीज करता है ये प्रस्पेक्ट्स बढ़ाता है ये लेकिन मैरिड लोगों के लिए जीवन में थोड़ी सी दूरिया भी बनाता है अगर हस्बैंड वाइफ दो अलग अलग जगह पे जाके रह सक रहते होंगे या रह सकते हैं उस टाइम पे जिसकी वजह से उनके जो बिजनेस कार्य करने का टाइम है वो दो अलग अलग फील्ड पे क्रिएट करता है अगर साथ ही रहते हैं तो थोड़ी दोनों में मतभेद भी क्रिएट करता है शनि एट हाउस या एट हाउस ट्रांजिट एट हाउस या हाउस लॉर्ड पे से आता है तो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है ये पेनफुल है टाइम क्रिएट करता है स्टेटस को पोजीशंस को धक्का पहुंचाता है जॉब्स के लिए नई डिमांड क्रिएट करता है न्यू आई मीन इट्स जॉब बिकम डिमांडिंग यू कैन से एंड द वेंट जब गेट डिमांडिंग दट उसमें जॉब के अंदर या तो इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी कम अच्छी नहीं मतलब ऐसी प्लेस जो कि लेस नोन हो या लेस रिक्नाइज हो इस पर ट्रांसफरेबल हो सकती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा प्रॉब्लमेटिक टाइम चालू होगा पेन होगा अपने बॉस से अपने सुपीजे के साथ डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है create होता है, इनकम को ओवरऑल घटा देता है फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को बढ़ाता है छुट्टियां इंसान करके घर बैठ जाता है चोट पीट लग जाती है इंसान घर बैठ जाता है परिवार में वृद्ध व्यक्ति का लॉस उनकी उम्र खत्म होना या उनका गुजर जाने की संभावना बढ़ा देता है बिजनेस के अंदर नई अगर वर्किंग करते हैं तो इससे फेलियर की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगा बिज़नेस में और स्टूडेंट्स अगर स्टडीज़ कर रहे हों और अगर वो स्टूडेंट एक जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं स्कूलिंग टाइप ऑफ स्टडीज़ है नॉर्मल एजुकेशन पे है सो ये लो मार्क्स या लो एक्सपेक्टेशंस पे क्रिएट करता है लेकिन यही स्टडीज़ अगर किसी रिसर्च एक्टिविटी में है किसी डेप्थ के अंदर है या डॉक्टरी टाइप एक्टिविटी के अंदर है सो द स्टूडेंट्स हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज दे कैन गो अब्रॉड बाहर जाके बेटर पढ़ते हैं और ये उनके लिए अच्छा कार्य करता है रिसर्च वर्क या कोई भी डीप एक्टिविटीज डीप साइंसिस के ऊपर कार्य करने के लिए बेनिफिशियल रहता है ये ये ट्रांजिशन का टाइम है जीवन में नई चीजें दर्शाता है नया ट्रांजिशन क्रिएट करता है नई संभावनाएं दर्शाता है ये वो संभावनाएं दर्शाता है जो अभी हमने अभी तक हमारे दिमाग के में नहीं आई थी कुछ नई इंसान जीवन में प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता है तो ये वो समय है जब प्रॉब्लम्स आने से इंसान नई चीज़ों का आविष्कार करता है और हर आविष्कार एक प्रॉब्लम या एक फेलियर के बाद ही ऑलमोस्ट आविष्कार इंसान के दिमाग में आते हैं और दिमाग इंसान करता है तो ये ट्रांजिशन पीरियड एक्चुअली है शनि नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड पे से जब निकलते हैं तो ये जो पीरियड होता है शनि का ये नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड लौ, के नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड के पास से जब निकलेगा ये डेप्थ का जो बर्डन है हमारे पे चढ़ा हुआ इसको रिड्यूस करता है ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है टू वी एबल टू रीपे दी बर्डन ऑफ डेप्स टेंशन को ईज करता है इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है लॉसेस को डिक्रीज करता है गेन्स को इंक्रीज करता है अगर ये स्टूडेंट्स के लिए है तो ये एग्जाम्स को अच्छे नंबर से पास करना गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना रेख, अच्छे कॉलेजेस के लिए जाना हायर एजुकेशन के लिए अच्छे वेंचर्स के लिए जाना हॉलिस्टिक प्लेसेस के ऊपर विजिट को बढ़ाता है या हॉलिस्टिक पीपल संत महात्माओं से मिलाव करवाता है उनके लिए उनके साथ समय व्यतीत करने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है और चेंजेस हमारे जीवन में हमारी माइंड में पॉजिटिव चेंजेस की तरफ दर्शाता है हमारे पिता से रिलेशनशिप के अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं हमारे पिता के साथ कुछ दूरियां बनती हैं और पिता ऑलरेडी दूरी पे रहते हैं तो उनको सपोर्ट होता है तो अगर ऑलरेडी दूरी पे है तो सपोर्ट फैक्टर में कन्वर्ट होता है अगर साथ साथ रहते हैं तो मतभेद पैदा होता है इसी प्रकार हमारे बॉस हमारा सुपीरियर के साथ अगर साथ है तो उसमें दिस इज ए चेंज ऑफ पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज सुपीरियर के साथ बॉसेस के साथ तो दिस विल हेल्प टू चेंज इन टू द कैरियर ऑल्सो एंड पॉजिटिव चेंज इन द कैरियर ये हमने शनि के साथ नौ हाउसेस के अंदर आपने जाना गुरु के साथ अगर हमारा संबंध हम देखते हैं गुरु के साथ गुरु जब ट्रांसलिट करते हैं तो किसी भी जगह पे एक साल के लिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं और एक साल का जो पीरियड होता है हमारे जीवन में काफ़ी चेंजेस लाता है गुरु को जनरली हम एक बेनिफिक सिस्टम से देखते हैं या तो बेनिफिट्स बढ़ाता है या नेगेटिविटी को रिड्यूस करते हैं मेलिफिक सिस्टम को रिड्यूस करते हैं इस तरीके से हम गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु को हम कुछ हाउसेज में देखते हैं गुरु अगर फर्स्ट हाउस पे से या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे से निकल निकलते हैं ट्रांजिट करते हैं द नेटिव विल गेन लॉर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव पर्सनैलिटी पॉजिटिव ग्रूमिंग बेटरमेंट की तरफ दर्शाता है पॉजिटिविटी की तरफ दर्शाता है नई होप के साथ दर्शाता है नई ऑफरिंग्स हमें देता है हम हेल्थ के ऊपर भी इंप्रूव करते हैं हम काम के ऊपर भी इम्प्रूव करते हैं हम अपनी क्रिया शक्ति के ऊपर एक इम्प्रूव करते हैं नए आइडियाज हमारे पास आते हैं बेनिफिक डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं एक हैप्पी टाइम है एक अच्छा टाइम है जिसमें हम नई शुरुआत या एक अच्छा सिस्टम को नए अच्छे जीवन को व्यतीत करने की तरफ हमारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है गुरु अगर दूसरे हाउस या दूसरे हाउस के लॉर्ड से निकलता है तो हमारे फूड हैबिट्स में चेंज करता है हमारे टेस्ट में चेंज करता है हमारा वेट चेंज होता है हमारा वेट इंक्रीज कर देता है हमारी पॉजिटिव स्पीच बढ़ती है हमारा ज्ञान वैदिक्स की तरफ जाता है हम प्लेट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या लोगों को समाज के अंदर एक हारमोनीस पीसफुल या ज्ञानवर्धक स्पीच कम्युनिकेशन देने की हम तरफ अग्रसर होते हैं फैमिली के अंदर भी हम लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं मनी की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पॉसुड़, क्रिएट करता है और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर की तरफ हमें दर्शाता है और हम एक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं इस सिस्टम से अगर थर्ड हाउस से थर्ड हाउस लॉर्ड की तरफ बढ़ता है हमारी यात्राएं होली प्लेसेस की तरफ दर्शाएगा हमारे छोटे छोटे ट्रैवलिंग होली प्लेसेस की तरफ दर्शाएगा जीवन की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के रास्ते खुलते हैं द, उसका मार्गदर्शन होता है सिबलिंग्स के लिए पॉजिटिविटी या अच्छे अ, अच्छी पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट्स लेके आता है अपग्रेडेशन लेके आता है उनके लिए जो लोग गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा गैजेट्स के साथ कार्य करते हैं उनको गैजेट्स के अंदर एक अपग्रेडेशन मिलता है नए गैजेट्स या उन गैजेट्स से विस्तार या नेटवर्क विस्तार क्रिएट करता है नेटवर्क विस्तार आज मतलब इट्स लाइक एन एआई तो नेटवर्क के अंदर हमारे नए नए कनेक्ट्स नए नए लोगों से संभावनाएं क्रिएट करता है यही अगर गुरु फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस लॉर्ड पे से निकलता है दिस इज अ टाइम फॉर गेटिंग न्यू वहीकल रिप्लेसिंग दी ओल्ड वहीकल हमारे घर की इंटीरियर रिपेयर्स जो ड्यू पड़ी थी वो शुरू होती है कार्य शुरू होता है और इंसान लेफ लेस एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ता है काम करेगा बट कम खर्चे में करेगा गाड़ी बदलेगा बट कम खर्चे की बदलेगा और अपना कार्य को सुषम तरीके से निपटाने की कोशिश करता है इस टाइम पे अगर इंसान लैंड या फ्लैट्स में इंटरेस्टेड होता है तो वो देखना शुरू करता है लेकिन कम खर्चे का देता है इंसान ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहता अपने काम पे अपनी रिक्वायरमेंट को जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देता है ये टाइम है जब इंसान थोड़ा सोशल वर्क और चैरिटी की तरफ भी रुझान बढ़ता है न्यू लर्निंग स्किल्स की तरफ ध्यान बढ़ता है और कुछ नए फॉर्म्स नई आर्ट नई स्किल सेट्स को क्रिएट करता है इस टाइम पे गुरु अगर ट्वेल्थ हाउस में है गुरु अगर ट्वेल्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर से जब निकलता है दिस इज द टाइम फॉर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस टू बी अंडर कंट्रोल ये हॉस्पिटल प्रोसेस अगर किसी के चल रहे हो कोई सर्जरी में जा रहा हो बट दिस विल गो इन टू सक्सेसफुल लेकिन यही व्यक्ति अगर कोई स्टॉक मार्केट या शेयर या इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड में इस तरीके से कहीं पैसा लगा रहा है दिस इज अ टाइम टू इंडिकेट वेट पीरियड ये लॉस मेजरमेंट्स को बढ़ा रहा है कट दी एक्सपेंसेस सेव सेव इनकम कॉस्ट कटिंग की तरफ जाना चाहिए इस टाइम पे इंसान को और हेजिटेट करके कुछ डिसीजन जल्दबाजी में डिसीजन हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना चाहिए पेशेंस रखनी चाहिए इस समय पे और रिलीजियस प्लेस की तरफ हो सके तो कुछ यात्रा करनी चाहिए कुछ समय अकेलेपन पे देना चाहिए कुछ अपने आप को एनलाइटनमेंट करने के लिए इंसान को समय व्यतीत करना चाहिए कुछ कंडीशन देखते हैं राहु की राहु जब ट्रैवल करता है और राहु रिवर्स ट्रैवल करता है राहु एंड केतु ट्रैवल टू रेट्रोग्रेड में। जब राहु फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे से ट्रैवल करता है ये एक डर की संभावना पैदा करता है कॉन्फिडेंस को वी करता है करेज को वीक करता है लो सेल्फ स्टीम क्रिएट करता है इंसान की थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस so का नहीं होता बल्कि एक फियर फैक्टर क्रिएट होता है फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी फीलिंग ऑफ फियरनेस लो स्टीम और इंसान जल्दी बात बात पे आग्रोश में एंग्री या एग्रेसिव हो जाता है इरिटेट हो जाता है ऐसे में इंसान में विचार नेगेटिव विचार बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं और बिहेवियर पैटर्न के अंदर भी चेंजेस आते हैं नेगेटिवली फेस पे कालापन परछाई झलकती है फेस जैसे राहु का पीड़ित होता है वैसा फेस झलकना शुरू करता है एंड वेट लॉस भी होता है इंसान का वेट घटने लगता है सडनली घटने लगता है यही देव अगर सेकेंड हाउस या सेकेंड हाउस लॉर्ड पे से निकलते हैं तो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स में वाली का इस्तेमाल होने लगता है इंसान गलत शब्दों का लूज टॉक्स का मदद लेता है अपने आप को जल्दबाजी में बयान करता है अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं पा पाता जल्दी जल्दी बोलेगा आवेश में बोलेगा कम शब्दों में बोलने की कोशिश करेगा और लूज टॉक्स बोलेगा यही अल्कोहल की या एडिटिव चीजों की चीजें होती हैं इसकी तरफ उसका रुझान बढ़ता है इंसान का सेवन एडिटिव एडिक्टिव चीज़ों की तरफ बढ़ता है फैमिली मेंबर्स एक साथ भी रिलेशनशिप के अंदर इसलिए वो चीज क्रिएट होती है आईसेट की प्रॉब्लम बढ़ती है वृद्ध लोग होते हैं उनकी आईसेट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों की सेंसिटिविटी लेवल बढ़ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है लैक ऑफ सेंसिटिविटी के साथ पीपल की लोगों की जो फीलिंग है उसका हम ध्यान कम करते हैं और एक कॉमन इश्यूज क्रिएट होते हैं जिससे फीलिंग हर्ट होती है फीलिंग हट होती है तो रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं एंड इंसान एक लो मोटिवेटन की तरफ बढ़ता है एक दिमाग में सस्पिशियस एक्टिविटीज भी क्रिएट करता है हम डाउटफुल करेक्टर बन जाते हैं हर चीज पे डाउटिंग करते हैं हमारा मनस नेगेटिविटी की तरफ जल्दी प्रभावित होता है बनस्पत पॉजिटिविटीज है हम हर काम में जब सोचते हैं तो नेगेटिविटी के साथ सोचते हैं कि का क्या काम ये हो पाएगा क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगा और ये फेल हो गया तो हमें नुकसान होगा एक नेगेटिव थॉट्स की तरफ पड़ता है यही राहु जब थर्ड हाउस थर्ड हाउस लॉर्ड की से जब पास ऑन होता है थर्ड हाउस थर्ड हाउस लॉर्ड इज ए टेली कंप्यूटर्स सेलफोन्स राहु जब थर्ड हाउस थर्ड हाउस लॉर्ड के ऊपर से पास ऑन होता है ये विस्तार तो करता है लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर भी खराबी पैदा करता है आज के लिए इक्विपमेंट कंप्यूटर है सेलफोन्स है ठीक सॉफ्टवेयरस हैं बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं इनके अंदर भी खराबी पैदा करता है टूट गए गिर गए वायरस आ गया क्रैक हो गया सॉफ्टवेयर में बग आ गया हमारा डाटा लॉस हो गया हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया हमारे कंप्यूटर की डिस्क डैमेज हो गई उसकी रिकवरी नहीं हो रही है तो ये डिफ़िकल्टीज़ को भी दर्शाता है एट द सेम टाइम एआई की मदद से मल्टीमीडिया मार्केटिंग की मदद से ये विस्तार भी करता है हमारी नई कनेक्टिविटीज क्रिएट करता है लेकिन हमारे जितने टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये उलझन पैदा करता है और विघ्न पैदा करता है जिससे हमारे इक्विपमेंट्स डैमेज होते हैं थॉट की प्रॉब्लम्स दर्शाता है थॉट में इन्फेक्शन होना थॉट की प्रॉब्लम होना या आ, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे क्या बोलते हैं आ, जो गले में ग्लैंड्स होते हैं लाइक व्हाट यू कॉल्ड, थायराइड ग्लैंड्स उनको भी इफेक्ट करता, करता है उनको भी प्रभावित करता है फोर्थ या फोर्थ हाउस हाउस या लॉर्ड पे से जब निकलता है द नेटिव विल हैव अ लैक ऑफ ऑफ पीस माइंड ऐसे समय पे एक आप बहुत थंब रूल के साथ क्या सकते हो ड्राइव विद केयर देर इज ए हाई लेवल ऑफ चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड सो ड्राइव विद ऑलवेज विथ केयर

नया कार्य करना बिल्कुल नहीं अलाउ ना करता है इसमें वेन राहू इज पासिंग टू द ऑन हाउस और द लॉर्ड फोर्थ हाउस डोंट स्टार्ट एनी कंस्ट्रक्शन और रेनोएशन एक्टिविटी इन हाउस एंड डू नॉट डिस्टर्ब टॉयलेट ऑफ हाउस ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस इज अब इंडिकेशन अगर ये होता है तो बीमारी तकलीफ डिजीज चोट लगना एक्सीडेंट होना इन सबको दर्शाता है एट द सेम टाइम ये पीरियड होता है कोई लैंड है कोई प्रॉपर्टी है उसको अंदर कोई ट्रबल uh, को क्रिएट करता है या कोई सेल करना चाहता है तो ये एक uh, दिक्कत क्रिएट करता है बेचने में या चेंजेस करने में दिस क्रिएट प्रॉब्लम को लैंड प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज इज अवॉइड ड्यूरिंग दिस पीरियड नेटिव की नेटिव विल हैव अ सडन चेंजेस इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब्स और द पोजीशन और प्लेस विद नो रीजंस विद नो रीजंस ये माता की तबीयत को भी खराब करता है और ऐसे केस के अंदर कोई किसी के फादर बीमार है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ंग ए फर्दर डिटोरेशन ऑफ दी हेल्थ क्रिएट करता है ये yeah. हमारा घर में मन नहीं लगता वी लॉस इंटरेस्ट इन लाइफ एंड द लिविंग थिंग्स हम बाहर घूमना बाहर जाना चाहते हैं हर समय इन क्लाइनेशन टूवर्ड्स दी एम्टीनेस यानि कि कुछ ढूंढने की कुछ नया कुछ पहचान करने की हम कोशिश करते हैं इस समय में राहु अगर एटथ हाउस या एथ हाउस लॉर्ड के ऊपर से निकलता है दिस इज द टाइम नेटिव सब हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस, लॉस ऑफ होप कॉन्फिडेंस फ़ियर ऑफ फेसिंग टुमारो, सडन एक्सपेंसेस डेप्स तकलीफ बीमारी फॉल्स इल्जाम लगना हमने गलत काम नहीं किया हमारे पे फालतू का इल्जाम लग गया हमने किसी का नुकसान नहीं दिया लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई हमारे को ही फंसा दिया जाए हमारे सिकनेस अगर कोई ऑलरेडी चल रही है किसी बीमारी से हम पीड़ित हैं उस सिकनेस में वृद्धि हो गई हमें समझ में नहीं आएगा कि हम डील कैसे करें उस सिकनेस को घर के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग हैं बीमार हैं उनकी सिकनेस बढ़नी शुरू हो गई हमारा झुकाव ऑकट की तरफ जाना शुरू हो गया हमारे में ब्लैक मैजिक का प्रभाव आना शुरू हो गया हम ऐसे लोगों से मिलने शुरू हो गए जो कि ऑलरेडी लाइफ के अंदर समस्या में घिरे हुए हैं या जो अपना ही रोना रो रहे हैं उन लोगों से हमारी मुलाकातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं हमारे जीवन को लेके कंसर्नस बढ़ने शुरू हो जाते हैं कैरियर के लिए ये कंसर्न क्रिएट करता है डाउन परफॉर्मेंस क्रिएट करता है हमारी अनयूजअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज करता है अंडर टेबल मनी रॉन्ग डूइंग्स रॉन्ग रिलेशनशिप्स एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स बैड हैबिट्स शॉर्टकट मैथड्स से जो हमें गेन किए जा सकते हैं तरीकों से उसकी तरफ क्यूरोसिटी क्रिएट करता है जल्दी मनी शॉर्ट टाइम मनी क्विक रिलेशनशिप रॉन्ग रिलेशनशिप इन हैबिट्स के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर क्यूरोसिटी क्रिएट करता है केतु अगर उस या ट्वेल लॉर्ड पे से निकलता है बारहवें हाउस के लॉर्ड पे से निकलता है सो देर इज अ चेंज इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ लोनलीनेस हमें वो अध्यात्म या मेडिटेशन की तरफ प्रेरित करता है सिचुएशन घटनाएं क्रिएट होंगी जबकि हमारा रुझान परमात्मा की तरफ लगना शुरू हो हम इंक्लाइन टूवर्ड्स होलिस्टिक नेचर की तरफ जाए हम तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें स्पिरिचुअलिटी का तरफ बढ़ना मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर गए पूजा पाठ किया यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मतलब होगा हम किसी धर्मात्मा या संत से मिले और उनके साथ अटैच होके मेडिटेशन की तरफ हमारा इकलेशन जाए इस समय पे की गई इन्वेस्टमेंट्स, डिसीजंस ऑफ़ बिज़नेस इज नॉट फ्रूटफुल इट्स अ लॉस मेकिंग। नई जॉब नई चेंजेस नई शुरुआत दिक्कत देता है धक्का देता है ये कुछ मैंने आपको तरीके शेयर किए जो कि प्लैनेट्स अगर जब ट्रांजिट करते हैं किसी हाउस के ऊपर से या किसी uh, लॉर्ड के ऊपर से तो किस तरीके से हम इसको देखते हैं सो आई जस्ट शेयर यू विद फ्यू ऑफ द इंपैक्ट्स अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ लगन्स के माध्यम से जैसे शनि जब ट्रांजिट करेगा तो किस लगन पे से ट्रांजिट करेगा तो कौन कौन से प्लानट बेनिफिट में रहते हैं कौन कौन से प्लानिट मिक्स में रहते हैं कौन से मेलेफिक में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन शनि ट्रांजिट ऑन द मेष लगना व्हेन शनि ट्रांजिट ओवर द मेष लगना तो शनि का जो ट्रांजिट मेष लगन पे से होगा तो नेटल का सूर्य चंद्रमा शनि और शुक्र इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स के अंदर बढ़ोतरी होती है नेटल के सूर्य चंद्रमा शनि एंड शुक्र और नेटल के गुरु एंड मंगल में मिक्स रिजल्ट आते हैं बुद्ध के अंदर मेलेफिक इंपैक्ट पड़ता है जब शनि ट्रांसिट करता है मेष लगन पे से यही देव जब ट्रांसिट करते हैं कर्क लगन पे से तो चंद्रमा शुक्र सूर्य मंगल चंद्रमा शुक्र सूर्य मंगल पे से का इंपैक्ट पॉजिटिव जाता है और शनि और गुरु का मिक्स जाता है यही शनि का बुद्ध के ऊपर भी मेलेफिक इफेक्ट क्रिएट करता है यह चंद्रमा जब यही शनिदेव जब वृश्चिक पैसे पासवान होते हैं तो वृश्चिक पैसे जब पासन होते हैं तो नेटल का जुपिटर चंद्रमा एंड सन के लिए पॉजिटिव दर्शाता है बाकी मंगल शनि शुक्र बुद्ध इन सब के लिए नेगेटिव और मिक्स रिजल्ट की तरफ प्रेरित करता है यही शनि जब पासन होते हैं मीन के ऊपर से मीन राशि के ऊपर से तो गुरु मंगल चंद्रमा एंड बुध लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और शनि के लिए मिक्स रहते हैं शुक्र और सूर्य के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं तो हमारे को बेसिकली पॉइंट ऑफ सेइंग ये सारी चीजों को समझना भिगुनंदी नाड़ी के अंदर आसान पड़ता है एक और चीज यहां पे ऐड कर रहा हूं जब शनि का ट्रांजिट नेटल के शनिदेव पे से ही होता है जैसे नेटल के शनिदेव हमारे अगर बैठे हैं लेटस एज्यूम कर्क राशि के अंदर बैठे हैं कर्क राशि पे से शनिदेव निकलते हैं तो फैमिली में किसी एल्डर की मृत्यु की संभावना क्रिएट करते हैं और एजुकेशन के अंदर डिले या विघन देते हैं बाकी मैंने अभी फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस स्वामी के ऊपर जो आंसर्स बोले वो सारे इफेक्ट करते हैं कर्क राशि में से जब निकलेंगे इसी प्रकार से अगर शनि देव, ऋषभ राशि में से जब पास ऑन होते हैं ऋषभ राशि में शनिदेव बैठे हैं उसी के ऊपर से शनिदेव निकल रहे हैं तो दीजिए चेंज इन जॉब चेंज इन प्लेस चेंज इन स्पेस क्रिएट करते हैं ये और ये दर्शाते कि इंसान का अब समय है कि इंसान को अपने आप को दूसरी जगह पे जाके बेहतर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए कुंभ में शनिदेव बैठे हैं और कुंभ के ऊपर के से जब निकल रहे हैं ये अच्छे रिजल्ट्स की तरफ प्रेरित करते हैं इंसान को और एक शनि का कार्य शनि पे से देर से आएगा लेकिन डबल आएगा ये इनकम में व्यवसाय में बढ़ोतरी है लेकिन ये मेहनत मुशक्कत बहुत करवाएंगे उस टाइम पे बट रिजल्ट भी भरपूर देते हैं ये <clears throat> अगर शनिदेव राहु पे से निकलते हैं तो ये पेन है शॉर्टकट में अगर देखेंगे हम तो शनिदेव राहु पे से निकलेंगे ट्रांसिट में तो ये पेन है नेटल के राहु पे अगर शनिदेव केतु पे से निकलेंगे तो ये डिफिकल्टीज है सो देर इज ए लिटिल चेंज इन पेन एंड डिफिकल्टीज कार्य होंगे डिफिकल्टीज से होंगे राहु पे से निकलेंगे तो समय पेनफुल निकलेगा वो डिफिकल्टी वाला नहीं है डिफिकल्टी इन द सेंस पेन ज्यादा है तकलीफ ज्यादा है काम नहीं होते रुक जाते हैं बिगड़ते हैं और राहु पे से निकलता है तो मेहनत मुशक्कत ज्यादा होती है डिफिकल्टी होती है कार्य को सिद्ध करने में कार्य को कंप्लीट करने में यही शनिदेव पे से निकलते हैं और इंसान घर से जन्म स्थान से दूर रहता है आईटी नेटवर्क एक्टिविटी के ऊपर कार्य करता है उसमें इजाफा होता है उसके अंदर अपलिफ्टमेंट होती है यही शनिदेव अगर केतु पे से निकलते हैं इंसान ऑकड़ साइंस की तरफ डॉक्टरी लाइन की तरफ कोई रिसर्च एक्टिविटी की तरफ काम करता है तो उसमें इजाफा होता है उसमें बेनिफिट्स क्रिएट करता है ठीक ये हम शनिदेव के ट्रांजिट्स को इस तरीके से रिलेट करेंगे या बाकी सारे ट्रांजिट्स को भी इस तरीके से रिलेट करेंगे ये आज की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग या एक हमने एक जिस्ट ऑफ दी दाढ़ी को हमने समझने की कोशिश करी सो ना ओवर टू यू जिस जी बोले संतावना जी बोले हाँ, जी इट्स जस्ट न्यू न्यूम्रोलॉजी करेक्शन इन माई स्पेलिंग जी आ, सर एक्चुअली मुझे पूछना था जब अभी हम लोग आ, फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस लॉर्ड से जब गोचर की बात कर रहे थे अभी हुँ. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फोर्थ हाउस से गोचर हो रहा है और लॉर्ड आपका एथ हाउस का बैठा तो दोनों मिक्स कर देंगे ओके okay. सो so, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है तो अदरवाइज आल्सो ये ट्राइंग का कनेक्टिविटी है हाँ.

उस प्लैनेट के ऊपर से शनिदेव को निकलता हुआ जब जाएगा तो उसका इफेक्ट को हम काउंट करेंगे, ही हम किसी... The, हम वाला करेंगे जब शनिदेव वेरियस प्लैनेट के ऊपर से निकलेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम चैप्टर पड़ेंगे उसका इफेक्ट हम देखेंगे वो इफेक्ट आएगा अस अज्यूम शनिदेव शुक्र बैठा है फोर्थ हाउस में और फोर्थ हाउस में से निकल रहे हैं शुक्र के ऊपर से जब शनिदेव निकलेंगे तो ये कार्य में वृद्धि करेंगे पैसे में वृद्धि करेंगे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे घर बैठे बैठे इंसान जो है नई सिस्टम्स को नई चीजों के ऊपर रुझान आएगा और कंफर्ट के अंदर नए कार्य को करना चाहेगा ये बेनिफिशियल है हाँ, यही शनिदेव चंद्रमा पे से निकलते हैं चंद्रमा फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा फोर्थ हाउस के कारक भी हैं तो ये मानसिक तकलीफ को देंगे इसमें फिर अभी मैंने जैसे बोला था चेंजेस लाइफ के अंदर प्रतीत करेंगे नए चेंजेस की तरफ रुझान करेंगे घर के अंदर चेंजेस गाड़ी के अंदर चेंजेस लेकिन मानसिक तकलीफ स्ट्रेस को क्रिएट करेंगे इंसान चाहेगा कि हर समय बाहर जाए बाहर घूम के आए घर में रहना बैठना पसंद नहीं करेगा माता के लिए भी ये तकलीफ का पीरियड क्रिएट करेगा राइट जी किसी और का कोई और क्वेश्चन जो आज हमने किया है उसमें कोई भी अपना कुछ शेयर करना चाहे अभी तक में बात करना चाहे तो यू कैन कनेक्ट मी नाउ जी अमृषा जी सर केतु अगर अभी ट्रांजिट कर रहा होगा फोर्थ हाउस से हुँ. और फोर्थ हाउस में चंद्र है नेटल चंद्र है और राशि बनेगी सिक्स मतलब मिथुन लगन अगर है तो इसको हम ऐसे समझेंगे क्या सर कि घर से मतलब रिलेटेड तरह से देखेंगे इसको हम केतु अगर फोर्थ हाउस में से जब देगा तो देर इज ए चेंजेज इन रेजिडेंस दैट्स अ रूल देर इज ए चेंजेस इन रेजिडेंस विच मींस इधर डू चेंजेस इन योर रेडेंशियल एरिया जो भी आपका कर रहे हो या ट्रांसफर हो जाएगा बाहर चले जाओगे उस जगह से निकल जाओगे आपके रेजिडेंस की क्वालिटी के अंदर चेंजेस आएंगे इस समय में जब केतु फोर्थ हाउस पे से पास तो सर इसमें ऐसा भी होगा ना कि केतु जैसे घर की कई चीजें खराब होने लग जाएंगी उनमें हमें चेंजेस आ रहे हैं तो आप इक्विपमेंट चेंज करोगे आपका ए है मान लो आप या टीवी है आपको लगा कि ना अभी अमेजोन की फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है कि बहुत पुराना हो गया लेट्स बाय समथिंग न्यू आपने इंटीरियर को चाहिए इंक्रीज इन एक्सपेंसिस एंड दैट इंक्रीज इन एक्सपेंसिस प्राइमरी गो टू चेंजेस ऑफ दाउस घर की बेसिकली हाउस घर तो घर के चेंजेस की तरफ आप काम करोगे ऑल ऑफ ए सडन आपके दिमाग में परिवर्तन आएगा कि छोड़ो इस घर को या मैं नया ही घर पे हम कहीं बाहर ही चले जाते हैं सो इधर वे यू विल चेंज द इंटीरियर और इक्विपमेंट ऑफ योर हाउस बिकॉज यू योर विल गेट इंक्रीज या तो इक्विपमेंट खराब होकर आपके चेंजेस नहीं लेके आएगा या आपको मन करेगा कि मेरा ये बहुत पुराना हो गया मैं नया लेके आऊंगे नें बाय स्की मारी है आई विल टेक न्यू वन So this सर, is the of Ketu, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ केतु ये uh, मन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा क्योंकि चंद्र बैठा है तो मन पे वो एक मन में एक दुविधा पैदा करेगा टू गेट आइसोलेट टू गेट समथिंग अंदर से हमारा कॉन्शियस को झिंझोड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा पा ऐसा कर जो हमारे मन को इंटरनली शांत करे पीस इंटरनल पीस के लिए इंटरनल अब uh, डेवलपमेंट के लिए इंटरनल अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करेगा उसकी तरफ रुझान बढ़ाएगा ये उसकी तरफ हमें प्रेरित करेगा तो सर इसकी रेमेडी हम ऐसे ले सकते हैं कि हम घर में कुछ चेंज करें और हम मेडिटेशन की तरफ जाएं मेडिटेशन आप शुरू करते हो अपने आप ही ये आपके अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी नेचुरली नेचुरली शांति आनी शुरू हो जाएगी ओके थैंक यू सर जी किसी और का कोई प्रश्न तो ये हमने तो आज एक ब्रेक तो पूछा था ये जी जी। ये तो 4000 अगर केतु होगा तो इससे मम्मी के हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी यस अच्छा अगर समझो कुछ बीमार होगी तो फिर उससे वो रिकवर होगी अगर केतु का पीरियड जल्दी खत्म होगा तो तो होगी अगर केतु चालू होते ही हो गया मैंने क्या बोला दस्तक देता एंट्री पे दस्तक दे देता

अब प्रोग्रेशन कैसे चलता है प्रोग्रेशन पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोग्रेशन हम वर्चुअली प्लैनेट्स को कैसे घुमाते हैं कैसे मूव करते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे वर्चुअल ट्रांजिट काइंड ऑफ उसको जब हम लगाएंगे तब आपको ये और क्लियर आएगा कई बार आपको ट्रांजिट से प्रॉब्लम आती नज़र नहीं आएंगी बट प्रोग्रेशन में प्लानट प्लानट के ऊपर पास ऑन हो रहा होता है अब वो हमारे जीवन के रिजल्ट को बदल रहा होता है ये प्रोग्रेशन का पार्ट है तो हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला समझना जुड़ी है वी विल अंडरस्टैंड दिस इनकमिंग ट्रांजेक्शन और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है ट्रांजिट इज ए मूवमेंट ऑफ प्लैनेट जो आका, आकाश मंडल में हो रही है लगातार घट रही है इज ए ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। प्रोग्रेशन इज ए वर्चुअल ट्रांजिट ऑफ प्लानट विच मीन्स कि हर प्लानट प्रोग्रेस करता आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है हम उसको वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं अपने बर्थ चार्ट के परस्पेक्टिव से राइट ओके okay, ओके okay, okay, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं गुरु को प्रोग्रेशन के हिसाब से लेकर चल रहे हैं जैसे yes, हुआ है yes. तो फर्स्ट जहां पे उसका आ रहा है, वहां पे एक साल दूसरे दूसरे साल दूसरे हाउस हाउस में में तीसरे तो हाँस हाँस प्रोग्र... ये प्रोग्रेशन ये प्रोग्रेशन है और इसको हम प्रोग्रेशन शनि गुरु राहु केतु चारों का प्रोग्रेशन हम करेंगे क्योंकि बड़े प्लेनेट है बड़े प्लान का प्रोग्रेशन इफेक्ट करता है हम चारों का प्रोग्रेशन पे काम करेंगे और तब हम समझेंगे रूल्स इफेक्टिविटी तो सेम ही रहेगी जो अभी हमने कवर करी है वैसी ही आएगी लेकिन प्रोग्रेशन आपको ये समझ में आएगा कि वो प्लैनेट उस जगह से कब पास ऑन हो रहा है प्रोग्रेशन में okay, okay. तो हर प्रोग करेंगे ना। सनी सारे प्लैनेट कर सकते हैं हम आपको जी? वो भी बताएंगे लेकिन चार बड़े प्लैनेट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं यस ये की लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं ना इसके लिए ये लॉन्ग टाइम के लिए यस, यस। रूल में सर। सर। रूल में छोटे प्लैनेट भी आएंगे जी जी बट उनका इफेक्ट तो जल्दी खत्म हो जाता है ना इसलिए ज्यादा मेजर जल्दी वो होते हैं वो फटाफट घटना घटित करते हैं निकल जाते हैं एकदम जी 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 सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हम लोग को हाँ दशा जैसा ही होता है क्या थैंक यू थैंक यू सर दशा अंतर इस पे हम कार्य करेंगे दशा अंतरदशा भुक्त पे कार्य करेंगे इसको रिलेशनशिप के अंदर कैसे लगाएंगे ट्रांसिट के साथ इस पे हम कार्य करेंगे बट दशा अंतर दशा अपने आप इंडिपेंडेंट वर्क है 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 इसका तो ये प्रोग्रेशन, से, लिंक नहीं है, दशा प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन से से लिंक लिंक नहीं है, दशा दशाँ दशाँ नहीं दशा ठीक लेकिन दशा अंतर दशा विद रिस्पेक्ट टू प्लान या प्रोग्रेशन कैसे लग आई जाती है इस पे हम कार्य करेंगे इस पे हम चार्ट पे कार्य करेंगे हम बहुत सारे सैंपल चार्ट्स करेंगे सैंपल चार्ट्स करेंगे लेडीज जैसे होते हैं मेल फीमेल की कुंडली के तो अलग -अलग? कार्य करती है कुछ मेल फीमेल पे डिफर करते हैं। जैसे मंगल और अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल के प्लैनेट में शुक्र की परिवर्त, स्थिति परिवर्तन से उसकी शुक्र उनके घर की शुक्र पे परिवर्तन आएगा घर की शुक्र बड़ी डॉटर को बिगनुंदी के अंदर शुक्र बोला गया वाइफ को शुक्र बोला गया ठीक तो उससे शुक्र में परिवर्तन आएगा मेल के परिवर्तन मंगल के परिवर्तन से वाइफ के केस के अंदर हस्बैंड पे और हस्बैंड वाइफ के बदर पे परिवर्तन आएगा तो मेल फीमेल की कुंडली में अगर मंगल में परिवर्तन आता है उसके ट्रांजिट में परिवर्तन आता है जैसे जैसे या उसकी प्लैनेट की पोजीशन मंगल की जिस टाइप से होगी उससे

जो कई लोग भिग्रंथी के अंदर गुरु को लगन में रख देते हैं एक्चुअली जिस प्लानट को लगन में रख देते हो लगन वहां से काउंट हो जाता है ये नाड़ी का रूल है कई प्रकार की नाड़ी होती है शुक्र नाड़ी शनि नाड़ी तो उन सब के अंदर उस प्लानट को लगन में बिठा के वहां से काउंटिंग शुरू कर देते हैं तो यहाँ से रूल आने शुरू हो जाते हैं वो इसलिए इन वन वे अगर आप देखेंगे तो जो रूल कहता है कि अपने घर से मतलब सूर्य के प्रस्पेक्टिव से सूर्य से नोवा सूर्य से नौवा मैं दोबारा बोल रहा हूँ सूर्य से नौवा इज इक्वल टू पिता चंद्रमा से टू right. पिता से नौवा दोबारा बोल रहा हूँ मैं सूर्य okay. से दसवा के रूल में बता रहा हूँ सूर्य से दसवा इज इक्वल टू पॉलिटिकल अफेयर्स सूर्य से दसवा चंद्रमा से चौथा चंद्रमा से चौथा माता चंद्रमा से तीसरा ट्रैवलिंग चंद्रमा से दूसरा फूडिंग मंगल से तीसरा मंगल से तीसरा बड़ा छोटा भाई मंगल से ग्यारवा मंगल से ग्यारवा बड़ा भाई मंगल से चौथा प्रॉपर्टी मंगल से छठा दुश्मन मंगल से लेडीज़ स्पाउस के लिए उसका सॉरी लेडीज के लिए उसका स्पाउस लेडीज के लिए उसका स्पाउस मंगल से सातवा उसका हस्बैंड उसका हो गया उसका हस्बैंड राइट राइट बुद्ध से पहला इंटेलिजेंस बुद्ध से चौथा एजुकेशन बुद्ध से पांचवा हायर एजुकेशन बुद्ध से नवा हायर एजुकेशन फर्दर हायर एजुकेशन मतलब इन सब ग्रहों के विद रिस्पेक्ट हमको ये देखना है विद रिस्पेक्ट यस इन सब ग्रहों के okay. तो अगर ये केिग्रुद्धि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है गो विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट राइट राइट ये डिफाइन भिग्रुद्धी के अंदर आता है बाकी वैदिक सिस्टम में ये डिफाइंड इतना स्ट्रांगली नहीं दर्शाता जितना भिगरुंती के अंदर दर्शाता ये तो मेरा प्रश्न अभी भी वही है सर हम अगर जातिक जातक जो कुंडली है अगर उसको देखेंगे तो जीव कारक गुरु को ही पकड़ के चलेंगे या शुक्र पकड़ेंगे जीव के कारक के केस में दोनों के केस में गुरु ही शुक्र जीव कारक जीव का कारक ही गुरु प्लानिट है जीव कारक जीव जीव मतलब मनुष्य जीव का कारक ठीक वो गुरु है आत्मा का कारक सूर्य है धे का कारक मंगल।, है मन का कारक चंद्रमा है चंद्रमा ये। तो बाई डिफॉल्ट जीव का कारक गुरु है मतलब बोध कुंडली है मेल फीमेल में हम गुरु को ही पकड़ कंसीडर करेंगे उनके भी भी तो रिस्पेक्ट हम कुछ, कुछ लोगों ने चेंज किया अपने परवर्ती से शुक्र को किया गुड टू देम जो आदि राव साहब जी ने हाँ। हमने जो आरजी राव साहब जी का जो प्योर भिगरुंदी नाड़ी कंसेप्ट है हम उसपे काम करेंगे ठीक right, right. है तो से से जैसे शुक्र शुक्र से सातवा आदमी के लिए लेडीज का कारक ठीक जी जी. शुक्र से चौथा गाड़ी का कारक शुक्र से दूसरा सिंगिंग का कारक क्रिएटिविटी का कारक का शुक्र अपने आप में ब्यूटी का कारक आप जहां बैठा वहीं से ब्यूटी का कारक पर्सनैलिटी का okay, करक, okay. Okay. से बेड प्लेजर ठीक से बेड प्लेजर का कारक अब उनकी कंडीशन कैसी है उसके कारक वैसे हमारे पे जीवन में आएंगे तो, तो ये हम भावत, भावत का ही देख रहे हैं ना नो no, नो no, नो no, नो no, no. भावत भावत थोड़ा डिफरेंट है हाँ, यहां के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि एक, एक प्लेनेट के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हाँ। सर एक भाव से आ गया हाँ सर ये भृगु नंदी नाड़ी का मतलब क्या है भृगु ऋषि तो का नाम है नंदी हाँ। भी ऋषि का नाम है नाड़ी उन दोनों को जो नाड़ी हमारी जो नर्व सिस्टम है जो वेन सिस्टम है उन दोनों ने नाड़ियां उन दोनों ने ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ की कॉम्बिनेशन क्रिएट करके एक

है तो वैदिक पे बेस्ड जैसे लाल किताब ठीक जोशी जी ने लाल किताब के कार्य किया लाल किताब पे पे काम करके उन्होंने दी तो है तो वैदिक बेस्ड बट रूपचंद जोशी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया वो सर इसमें नाड़ी का आ, क्या वो मीनिंग होगा नाड़ी मैडम नर्व सिस्टम है, सिस्टम आप आपकी ज्योतिष में नर्व सिस्टम ज्योतिष में नर्व सिस्टम Okay, okay. Nerves, अगर आपको ध्यान हो तो नाड़ी देख के पहले आपकी कौन सी प्लानिटरी बता देते थे नाड़ी से ही. आज भी कुछ लोग साउथ की तरफ हैं जिनके पास पुराने दस्तावेज पड़े हुए हैं वो नाड़ी देख के चीजें बता देते थे उनके पास लीव्स पड़ी हुई है लीव्स देख के चीजें बता देते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता ठीक वो वो डिटोरेट हो रही है समय के साथ चीज़ें कम हो रही हैं थैंक थैंक यू यू सर सर तो किसी और का कोई प्रश्न है तो बात करते हैं और हमारी क्लास ट्यूसडे एंड थर्सडेज आएगी जिनकी एनरोलमेंट हो गई अच्छी बात है जिनकी एनरोलमेंट नहीं हुई है प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन हम जो भी बिगुनंदी नाड़ी का कोर्स कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू ए फेंटास्टिक कोर्स एंड जिस क्वालिटी और जिस हम कॉमर्शियल पे कार्य करते हैं ये भिगुनंदी नाड़ी तो बाजार में कोई नहीं करेगा आई एम वेरी श्योर एंड हमारी ये दो महीने की जर्नी रहेगी बेसिक की फिर दो महीने की जर्नी रहेगी एडवांस की और uh, फी स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मिल रहा है इसका जो हमारे एग्जिस्टिंग मेबर्स हैं उनके लिए टू सिक्स एट फाइव जो हमारे न्यू मेम्बर्स है थ्री वन फाइव एट है उसके लिए एंड यू कैन कनेक्ट विद दी अकेडमी ऑल्सो टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड गेट योर एजिटेशन डन वेरी फास्ट थर्सडे को वी हैव अ क्लास फुल फ्लैश क्लास स्टार्टिंग फ्राम द लेवल जीरो जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है अच्छी बात है जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो हमें पहले से बता दें ताकि हम उनको कुछ हेल्प कर सकें टू गेट द कनेक्टिविटी ऑन एस्ट्रोलॉजी ठीक है जी जी देवेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर मुझे पूछना चाहिए होगा नौ बजे से शुरू होगा सर नौ बजे से लेकेवा नौ, नौ हाँ इवनिंग में नौ सवा नौ स्टार्ट करते हैं जनरली हम

न चूज द लैंग्वेज बट दो बो था डिफरेंट बुक्स हिंदी की बुक लगा इंग्लिश की बुक अलग okay. ठीक है जी किसी और का कोई प्रश्न किसी और का कोई वार्तालाप इसमें एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ जैसे गुरु और शनि गुरु और शनि इकट्ठे हो गए किसी कुंडली में भिगुनदी के परस्पेक्टिव से धर्मा अधिपति धर्मा कर्मा अधिपति योग बन जाता है क्योंकि भिगुनदी कहता है कंजेक्शन ऑफ गुरु एंड शनि इज इक्वल टू धर्मा कर्मा अधिपति योग ये योग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा योग है नेटिव के लिए नेटिव एक अच्छी नेम फेम वाली फैमिली में पैदा होता है ऐसे में ये रिलीजियस योग है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन योग कि इंसान अपनी पद्धति ऊंची बढ़ाता है अपने पद पे ऊंचाई पे जाता है ये एजुकेशन अगर कम भी लेते हैं ऐसे लोग लेकिन सफल वर्कर सफल कारीगर होते हैं ऐसे लोग अपने फील्ड के मास्टर होते हैं अपने फील्ड के अंदर नेम फेम कमाते हैं इनको इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है जनरली ये लोग कूल काम होते हैं क्वाइट होते हैं ये लोग प्रोफेशन में जो भी कार्य करते हैं वो बड़ा इफेक्टिव करते हैं और अपनी रोजगार में अच्छी इनकम कमाते हैं इन लोगों को लीवर की डिजीज़ डायबिटिक और हार्ट अटैक की हार्ट की डिजीज़ जल्दी आती है इनके टांगों में दर्द या कुछ प्रॉब्लम की संभावनाएँ बनी रहती है तो ये हमने जैसे हमने बात करी बहुत सिंपल सी दो प्लैनेट की जुड़ाव की अब ये दो प्लैनेट के जुड़ाव ट्राइन से बनते हैं दो बारह से बनते हैं अपोजिट टू अपोजिटी अदर बनते हैं कंजेशन से बनते हैं इनकी हम इनमें वैरायटी कैसे चेंज होती है कब भारी पड़ेगी कब हल्की पड़ेगी इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये दो प्लांट के क्विक और ये दो प्लांट आपके बर्थ चार्ट से है कि आपके बर्थ चार्ट में दो प्लांट का योग बना हुआ है तो ये बना हुआ है तो वो योग बना हुआ है इसके ऊपर जब ट्रांजिट लगेंगे तो ये फलीभूत होना शुरू हो जाता है और जब ये फलीभूत होता है तो ये अपने रिजल्ट दर्शाएगा आपको आसान से कनेक्टिविटी थी अब इसी तरह जैसे चंद्रमा और बुध बड़ा अच्छा योग है चंद्रमा और बुध बड़ा इंटरेस्टिंग है चंद्रमा भी फैमनाइन है और बुध भी फैमनाइन है चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड है बुध कॉन्शियस माइंड है दोनों इकट्ठे हो गए इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गई इंसान की प्लानिंग ऑडिटिंग की कैपेबिलिटी बढ़ गई क्रिएटिविटी बढ़ गई कम समय में ज्यादा सोच लेता है मिलिनियर दिमाग होता है लेकिन उनका ही टॉक्सिक दिमाग भी होता है एडिक्टिव दिमाग होता है जल्दी से प्रभावित हो जाता है गलत कामों में जल्दी से बह जाता है ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्राप्त कर लेता है स्कूल में कॉलेज में एजुकेशन के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस करता है अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा मैं ये ले रहा हूं ये वो अच्छा नहीं लग रहा मैं वो ले रहा हूँ तो ये बुध और चंद्रमा वाला व्यक्ति स्विच बहुत जल्दी करता है ऐसे व्यक्ति के लिए जितने भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं लिक्विड से संबंधित होटल मैनेजमेंट से संबंधित ट्रैवलिंग से ट्रांसपोर्ट से जो मूवमेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं आजकल मूवमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर एरोस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एरोस्पेस मूवमेंट है उसके अंदर एरोनोटिकल इंजीनियरिंग एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिज पर भी मूवमेंट है फटाफट फास्ट फ़ड़ चेंजेस आते हैं उसमें भी मूवमेंट है सब्जेक्ट बहुत इसमें दिमाग बहुत लगता है ठीक ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट प्रॉपर्टी के मैटर में दे लॉस्ट उनको जल्दी से प्रॉपर्टी के काम में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि बुद्ध जो है ना प्रॉपर्टी का कारक है विग्नती नाड़ी में अचंद्रमा मनस का कारक क्या का का है लॉस का कारक भी चंद्रमा है भिगुनती नाड़ी के अंदर सो दिस अ लॉस इन प्रॉपर्टी इफ दे गेट इनटू द प्रॉपर्टी डील्स उनको बच के रहना चाहिए दोनों प्लानिट कि संगति जो है वो फैमिलाइन है दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फैमिलाइन एंड दे गेट इनटू टू एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तो ये थोड़ा सा डिसडवाटेज यहाँ पे क्रिएट करता है तो ऐसे ऐसे लोग फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस टाइप से हम प्लैनेट की कंजेक्शंस को भी समझेंगे मेक सम सेंस यस नो मे बी मे नॉट बी क्या सर yes, आपने जो अभी आ, जैसे ज्योतिष में नॉर्मली हम लोग नाइन्थ हाउस से फादर देख लेते हैं रिलेटेड सारे जो भी आ, बताना रहता है बता देते हैं लेकिन ये भ्रगुनंदी नाड़ी में आप बोले कि सूर्य से भी नाइन्थ देखना होगा यस yes. उससे आपको क्वालिटी नजर आएगी पिता की क्वालिटी आपकी लाइफ में पिता की इम्पोर्टेंस नजर आएगी ओके okay. आपका तो ये हम लोग आपकी आत्मा बुरे आपकी आत्मा सूर्य पिता दोनों है दोनों. सूर्य बेटा भी है भी में ओके okay. ठीक है अब आपका सूर्य से नाइन्थ हाउस आपके पिता यानी कि की आत्मा से पिता नाइन्थ हाउस अब बच्चा पांचवा है यही सूर्य से पांचवा देखोगे बच्चा आ जाएगा तो आपकी आत्मा आपके बच्चे से कैसे कनेक्टेड है कितना प्रभावशाली है इन्फ्लुएंसिव है वो पांचवा जाओगे सूर्य से पांचवा सूर्य पांचवा और ये नोवे पे जाओगे तो आपके पिता से इन्फ्लुएंस सर ये हर ग्रह का बुक में डिफाइन किया हुआ है जो आप बुक हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे आ, नहीं मैडम जुड़ी नहीं है मैं आपको आप बता रहा हूँ जैसे मैं आपको तो तो विल गो थ्रू तो बस कोई नहीं आप बता रहे तो हम लोग लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं

और वही हाउस में गुरु होगा तो वो आपको धर्म कर्म योग हो जाता है कि नहीं क्या बोले दोबारा बोलो गुरु और शनि कट्टे नाइन्थ हाउस में नहीं 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 मेरा कहना कि नाइन्थ हाउस में शनि का शनि का हाउस है नाइन्थ हाउस उसमें गुरु है तो फिर वो योग बन जाता है सो वेट okay. so, आपने बोला नाइन्थ हाउस में शनि की राशि है हाँ आपने yes. ऐसा बोला yes. उस में शनि की राशि है उसमें गुरुदेव बैठे हैं शनि की राशि में yes, yes. तो धर्मा कर्मा अधिपति योग नहीं बना राशि से नहीं बनता प्लैनेट के मिलाप से बनता है राइट राइटी मेरे अगर समझो तो सर गुरु की दृष्टि शनि पे होगी पांचवी पांचवी दृष्टि में तो दृष्टि दृष्टि इन्फ्लुएंसिव होती है दृष्टि योग नहीं बनाती वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप मेरे को देख रहे हो तो वी आर इन्फ्लुएंसिंग टू ईच अदर बट अगर मेरे बाजू में कोई बैठा है और हम दो बैठ के कार्य कर रहे हैं तो हम एक योग क्रिएट कर रहे हैं एक एक्टिविटी के लिए तो वो जो बाजू में बैठ रहा है वो कंजक्शन है तो कंजक्शन का जो रूल है वो हम देखेंगे विग्रुंदी के पर्सपेक्टिव से पर दृष्टि प्रॉस्पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है अगर योग बना हुआ है कोई योग बनता है उसमें दृष्टि इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करती है उसमें वो एडिशन होना है श्याम सुंदर जी आप कुछ कह रहे थे हाँ जी मेरे 8th हाउस में शनि और जुपिटर दोनों साथ में हैं सर ऐसे

आठवे हाउस के कार्य धर्म कर्मा को लेके अगर आप करोगे तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे अन्यथा आप जीवन में स्ट्रगल करोगे ओके सिंपल इजी या और आपने आठवे हाउस के कर्तव्य नहीं निभाए okay. जीवन में संघर्ष और पिटाई बहुत होती है वही हो रही है ठीक है yeah. That's, that is how the, दो लाइन में बता देती है इंसान को करना क्या और कैसे है okay. 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 So, ट्राइन कैसे करेंगे। उसके लिए चार्ट लगाना पड़ेगा तब क्लियर होता है चार्ट हम अभी नहीं लगा पाएंगे बैठ चार्ट लगा के करेंगे इसको नहीं जिससे फिर भी एक पांच नो एक पांच नौ ट्राइन बन गया

आठ बारह तो उसमें आते हैं ना क्या बोलते है इसको? इस हैं इसको हम्म किसमें आते हैं बोलो वो नाम मैं बोल रहा हूँ मिस कर रहा हूँ मतलब ये नेगेटिव हाउस है ना अगर चार आठ बारह लगन पे आ गया तो क्या करोगे इसीलिए पूछ रहा हूँ ये जानना चाह रहा हूँ ना तो सर कोई भी नेगेटिव नहीं है वी जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने बोला उनका धर्म का अधिपति योग बना लेकिन वो आठवें से बना सो नेगेटिविटी यू हैव टू कनेक्ट प्लेसमेंट ऑफ दैट दैट एक्टिविटी अगर आप उसको जीवन में अपनाओगे तो जीवन शांति से और बढ़िया निकलेगा अन्यथा जीवन में स्ट्रगल बढ़ेगा तो जी चार आठ बारह किसी के तो लगन में भी आएंगे सबके चार आठ बारह चार आठ बारह हाउसेस में थोड़ी आएंगे जी 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 तो जिसके लगन में आ गए तो उसने कोई पाप थोड़ी किया कि वो राइस नहीं करेगा नहीं 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 मैं ये तो वो करेगा। भी करेगा तो हमें, ये जो बोलते हमें बता रहा। चार आठ बारह में चार आठ बारह में जब राशि लगन में आई तो जो घर आए वो एक पांच नौ आए तो जो घर आए वो एक पांच नौ आए तो मैंने जो ट्रांसिट आपको बताया वो घर और घर के लॉर्ड पे से बताया मैंने राशि पे से नहीं बताया आपको ठीक ठीक है ठीक है ना ओके तो वहां से हम रिलेट करेंगे इस बात को कि इसलिए ट्रांजिट को पकड़ना थोड़ा ट्रिकी होता है जैसा बोल देते वैसा होता नहीं बड़ा आसान होता है बट फिर डिग्री का भी इसमें रोल होता है सिर्फ ये बिल्कुल एक डिग्री का बहुत बड़ा महत्व होता है इसलिए मैंने बोला प्रवेश डिग्री प्रवेश जब हो रहा होता है ट्रांजिट का वो जीवन में परिवर्तन की सूचक है नोक-नोक डोर नॉकिंग है वो ओके ओके ठीक है दस्तक है वो ठीक है तो, तो प्लान शनि जैसा प्लैनेट अपनी दस्तक तीन छह महीने पहले दे देता है एंट्री से ही ओके okay. ठीक है ये तो हर हर ग्रह ग्रह पहले पहले इंटेंशन देते होंगे से गुरु इंतरा पहले नहीं देता अच्छा राहु दे देता है <laughs> केतु नहीं देता ठीक है छोटे प्लान नहीं देते छोटे प्लान समय पे देते हैं

Thank you, sir. So, किसी का और का क्वेश्चन अनंत uh, सुधाकर जी देवेंदर जी इट विल बी गुड इफ यू कैन टॉक एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन अनंत सुराधाकर जी देविंदर जी एनी ऑफ सो ऑल राइट सो वी विल मीट अगेन ऑन थर्सडे एट नाइन पी एम सेम टाइम नौ सवा नौ बजे हम मिलेंगे एंड uh, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया दे आर वॉक का जिनका नहीं हुआ प्लीज़ गेट योर रजिस्ट्रेशन डन फास्ट राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी बी एन एन अगर नहीं किया एस्ट्रोलॉजी में प्रडिक्शंस से हम दूर रहेंगे प्रडिक्शंस करना बढ़िया करना है बढ़िया रिलेटिव एक्टिविटीज करनी है बी एन एन इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड जो बी एन एन हम करते हैं आई कैन एश्योर यू जिस क्वालिटी और जिस कॉमर्शियल हम करते हैं

बहुत कोर्स करके और ऐसा लगता है कि आपसे कभी uh, uh, कोई भी नई चीज आए तो जरूर सीखूं क्योंकि रियली इट इज लाइक अपलिफ्टमेंट इन द नॉलेज जर्नी ये जो जर्नी है नॉलेज की उसमें हमेशा अपग्रेडेशन होता रहे तो um, जो अकेडमी है वो बहुत अच्छा काम करती है मतलब आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द अकेडमी एंड द वे आप पढ़ाते हो बहुत बहुत इजी इजीली समझ में आ जाता है एंड द काइंड ऑफ आपका जो आपकी खुद की जो लर्निंग है और आप जिस तरह से नॉलेज हमें देते हो दैट्स वंडरफुल थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू विशा जी थैंक यू सो यू विल नॉट फाइंड लूज और व्हेन यू बी पार्ट ऑफ द बीनन जर्नी सो ऑल आर वेलकम थैंक यू फॉर टुडे एंड एनी अदर क्वेश्चन अगर है तो बताए अदरवाइजेडे परसों दोबारा रात को नौ बजे दोबारा से और फिर जर्नी okay. को हम आगे बढ़ाते हैं ठीक है जी तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार थैंक यू फॉर योर टाइम एनर्जी सबको नमस्कार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी